16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी तारतम्य में झाबुआ शहर के डीआरपी लाइन मैदान पर सोमवार को जिला प्रशासन ने विजय दिवस का आयोजन किया। मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन जिला पंचायत अध्यक्ष शांति डामोर ने किया। देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों से माहौल को जोशीला कर दिया। इस दौरान कलेक्टर प्रबल सिन्हा, पुलिस अधीक्षक विपिन जैन उपस्थित रहे। आयोजन में सभी प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिसे देख सभी अचंभित रह गए। आंखों की पलकों से कुर्सियों को गोल घुमाना, शरीर के ऊपर से वाहन निकलवाना, हाथों से पत्थर तोड़ना, नारियल को हवा में उछालकर सर से फोड़ना, साइकिल को हवा में घुमाना जैसे हैरतअंगेज करतब दिखाए। जो सबसे खतरनाक 5 व्यक्तियों के ऊपर से कूदना रहा। ये स्टंट देख सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। प्रत्येक प्रस्तुति पर कलेक्टर सिपाहा ने 11,000 और पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। झाबुआ से प्रेम सत्योगी की रिपोर्ट। गौरवान्वित किया, वह बेमिसाल था और युगों तक रहेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस बारे में 16 दिसंबर 1971 को संसद में वक्तव्य दिया था। वक्तव्य का प्रमुख अंश था, मुझे एक घोषणा करनी है, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने बिना शर्त बांग्लादेश में आत्मसमर्पण कर दिया। यह संसद भवन और समूचा राष्ट्र इस ऐतिहासिक घटना पर खुशी से झूम रहा है। हमें अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है, जिन्होंने अत्यंत शानदार तरीके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।